हाय गाइस, कैसे हो। जे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज प्रेस्टीज का एक मिक्सर ग्राइंडर मशीन लेकर आया हो, वो नहीं चल रहा है, तो उसको किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हो मैं आपके सामने आज दिखाऊंगा। तो पहले उसको चेक करने के पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो पहले आप क्या करना है, उसके जो पावर सप्लाई कनेक्शन है उसको चेक करना है, वो सही है या नहीं। पहले मैंने उसका एक लाइन चेक किया तो सही बताया। उसके बाद जो दूसरा लाइन है, न्यूट्रल लाइन चेक कर रहा हूँ अभी। न्यूट्रल लाइन यहाँ पे एक जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है उसके, वो चेक कर लेना वो सही है या नहीं है। तो मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ कनेक्शन लगा के, वो भी सही है, सीरीज से चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने वो न्यूट्रल लाइन को चेक कर रहा हूँ अभी, ये भी सही बता रहा है। तो उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद जो रेगुलेटर है अब उसको चेक करना होगा। जो रेगुलेटर एक होती है ये, उसके अंदर का जो कनेक्शन है उसको चेक कर लेना। उसके बाद देख लेना ये सही बता रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको जो स्टेप है उसको एक एक करके आप चेक कर लेना। तो ये सही बताया है। इसके बाद आप क्या कर चेक करना है, उसके बाद ज़्यादातर ये क्या होती है, ये जो सर्किट ब्रेकर है ये ख़राब होती है, इसको चेक कर लेना पहले, और पावर सप्लाई केबल। इसके बाद आप चेक करना है, चेक करना है वो जो कार्बन है उसको। अगर कार्बन को चेक कर लेंगे तो कार्बन की चेक हो जाएगा और आर्मेचर भी चेक हो जाएगा। तो उसके दो कनेक्शन में दो लगा कर चेक कर लेना। मेरा जो आर्मेचर है वो अभी घूम रहा है, यानी आर्मेचर भी सही है और मैग्नेट भी सही है। तो इसका स्टेटर लाइन जो है, स्टेटर लाइन जो है वो ख़राब हो गया था, इसलिए वो नहीं चला था। तो स्टेटर लाइन दो तरह का है, एक वो है और दूसरा साइड इस साइड पे है। मैं अब आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे है, इस साइड पे दूले। ये जो कनेक्शन आया है, थ्री कनेक्शन, वहाँ पे एक न्यूट्रल लाइन सर्किट ब्रेकर से गया है, ये सर्किट ब्रेकर से गया है एक लाइन, और दो लाइन निकल के स्विच पे आया है, ये रेगुलेटर स्विच है यहाँ पे आया है। और एक जो है वो आर्मेचर की कॉइल के एक मैग्नेट कनेक्शन है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे एक सीरीज कनेक्शन लगा के, और ये दोनों, और ये जो ब्लैक वायर सर्किट ब्रेकर पे लगाया है उसकी मुड़ में आप सीरीज कनेक्शन लगा के चेक कर सकते हो वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं बता रहे तो उसको आप क्या कर लेना, यहाँ पे तीनों को खोल के फिर से जॉइंट कर लेना उनको वॉश करके। और ये जो लाइन है, ये तीनों लाइन को आप चेक कर लेना, ये दो लाइन और ये साइड भी एक लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड में लगा हुआ कार्बन के साथ जो आर्मेचर के कनेक्शन। तो इस स्टेटर का एक लाइन ये यहाँ से
और ये दो मोड होके एक डायरेक्ट सप्लाई जो रेगुलेटर पे आया है उसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह आप पहले क्या चेक करना है मैंने बताया, पहले जो सर्किट ब्रेकर है उसको चेक करना, चेक कर लेना, जो अगर ख़राब है तो उसको बदल देना। उसके बाद आप क्या एसी सप्लाई जो कनेक्शन है उसको चेक कर लेना, ये सही बता रही है नहीं। तीसरे बार क्या चेक करना है आप, ये जो रेगुलेटर है इसको चेक कर लेना, और उसके बाद आप कार्बन चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही बता रहे तो स्टेटर कोयल खराब है आप उसको डिसकनेक्ट यानी ब्रेक हो गया कहाँ पे लाइन, तो इसको चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहाँ तक।